लुक गाइज आई नो यू ऑल आर ट्राइंग टू फिक्स योर नो फैप यू आर ट्राइंग टू फिक्स योर स्लीप आप अपनी लाइफ में बेटर बनना चाहते हो अमीर बनना चाहते हो सब कुछ करना चाहते हो बट यू नो दी प्रॉब्लम क्योंकि आप अपने आप को बेटर करना चाहते हो एंड आप इसके बारे में सोचते रहते हो कि मैं किस वे में वर्स हूँ तो तुम कभी बेटर बन नहीं पाओगे ये एक पैराडॉक्स है इसको हम कहते हैं एसोसिएशन अगर तुम यही चीज दिमाग में बार बार सोचते हो ना कि आई एम अ स्मोकर आई एम अ स्मोकर मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है नहीं करनी है नहीं करनी है हैपनिंग कि तुम और ज्यादा स्मोक करते हो क्योंकि तुम रोज अपने आप को एक स्मोकर के साथ एसोसिएट कर रहे हो तो अगर सेम वे तुम बार बार ये कहते हो मुझे नो फैप करना है नो फैप करना मुझे फोन नहीं देखना है मैं यूट्यूब पे बार बार वीडियो देखूंगा नो फैफ की जैसे कि मेरी है या फिर एक्चुअली में चैनल ही है नो फैफ मैस्कटी मतलब इंस्टा पर इतने सारे पेजेस हैं जहां पर वो बस इसी के बारे में बात करते हैं कि मैस्ट्रुबेशन कैसे रोकें हैपनिंग इज कि तुम बार बार अपने दिमाग को ये बता रहे हो दैट यस यू आर अ मेस्ट्रुबेटर अब एक तरफ एक्सेप्टेंस की बात है एंड एक तरफ अपने आप को बार बार सेम जगह पर धक्का देने वाली बात हो जाती है ठीक है ये बात अच्छी है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैस्ट्रोबेट करता हूँ मैं नहीं करूंगा दैट इज इट बात खत्म अब मत करो बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं मैस्ट्रोवे करता हूँ करता हूँ करता हूँ क्यों करता हूँ क्यों करता हूँ क्यों करता बट एंड हैपनिंग कि आप अपनी सेल्फ इमेज को ही उस वे में चेंज कर रहे हो बेसिकली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हो उल्टे वे में आप अपने आप अपने को दिलासा दे रहे हो ये समझा रहे हो कि यस मैं होता हूँ आप जितना मर्जी कहते रहो कि मैं नहीं करूंगा यू विल एंड अप डूइंग इट अगेन 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 एंड अगेन चाहे स्मोकिंग की बात हो सक्सेसफुल बनने की बात हो कंसिस्टेंसी की बात हो स्लीप की बात हो द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता यू विल नेवर बिकम रिच मैंने इतनी सारी फैमिलीज में लोग देखे इतने सारे फ्रेंड देखे हैं जिनका सिर्फ एक ही कहना होता है मैं गरीब हूँ मेरे पास पैसे नहीं है मैं कैसे पैसे कमाऊँ मैं कभी पैसे कमा ही नहीं सकता मैं क्या करूं जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना तो उनका भी पैसे कमा ही नहीं पाओगे बट द मोमेंट यू स्टार्ट सेम कि मैं गरीब हूं अब मैं पैसे कमाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा हम पैसे कमाऊंगा तब आप एक्चुअली प्रोग्रेस करोगे बट आप जितना कहते रहोगे हम गरीब हैं हम गरीब हैं या पेरेंट्स जो बच्चों को कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है पैसे नहीं पैसे नहीं है बेसिकली दिमाग में हम अपने बच्चों के अपने और अपने आसपास के सब लोगों के दिमाग में एक लिमिटिंग माइंडसेट डालते हैं कि हम गरीब लोग हैं हम गरीब लोग हैं हम गरीब लोग हैं अब हम चाहकर भी अमीर नहीं हो पाते हैं और क्यों नहीं हो पाते हैं अमीर ये कोई जादुई चीज़ नहीं है बट एक लॉजिकल रीज़न है इसके पीछे हम अमीर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि फिर हम छोटा सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि अगर हम बार बार ये कहते हैं ना हम गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमें बस चालीस हज़ार चाहिए या पचास हजार चाहिए या साठ सत्तर हजार चाहिए एंड क्या होता है हम सिर्फ उतने ही कमा पाते हैं या उसका भी आधा कमा पाते हैं सेम वे जो बंदा कहता है मैं एस्टिमेट करता हूँ एस्टिटेट करता हूँ मुझे नो फैप है नो फैप करना है उसकी लाइफ में क्या होता है पंद्रह दिन गिनता है बीस दिन गिनता है क्योंकि उसका गोल ही क्या है क्या तो मैस्टर वेटर हूँ मेरे को बस तीन महीने नहीं करना है ये पंद्रह दिन की स्ट्रीक चलानी है रिवॉर्ड सिस्टम ये वो 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 पता नहीं क्या क्या एंड वो क्या करता है पंद्रह का सोचता है सात दिन करता है जो सात का सोचता है वो तीन दिन करता है दोबारा इसी साइकिल में फंसा रह जाता है बट जो बंदा जैसे मैंने किया था ऐसा सोच लेता ना ठीक है मैस्टर वेट करता था अब से नहीं करूँगा बात खत्म मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा मैं बार बार खुद को ये नहीं कहूँगा मैस्टर वेट करता हूँ बस मैं हूँ ही नहीं वो मैं वो आदमी नहीं हूँ मैस्टर वेट करता बात ही खत्म उसी मोमेंट से मेरा मैस्ट्रोबेशन बंद हो जाएगी या दोबारा भी होगी तो आई विल थिंक हो गई मैं अब नहीं करूंगा बात खत्म और जब मैं ये बार बार कहूंगा ना मैं मैस्ट्रोबेट करता हूं करता हूँ नहीं करूंगा नहीं करूंगा तो वट एंड ऑफ हैपनिंग इसकी मैं थोड़ा थोड़ा छोटा 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 सोचूंगा सेम वे जो बंदा ये बोलेगा कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं होता ग्रो ही नहीं होता ग्रो ही, ही नहीं होता मेरे कमेंट सेक्शन में होते हैं नहीं होगा कभी भी नहीं होगा तुम्हारा ग्रो क्योंकि तुम बार बार ये सोच रहे हो मेरा ग्रो नहीं होता विच मीनस कि तुम्हारा गोल क्या है कि हजार सब्सक्राइबर चाहिए दो चाहिए तुम ये बोलो ही मत तुम बोलो मुझे ग्रो करना 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 दैट इज इट बस ग्रोथ के पीछे भागना है तो मुझे सोचना ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता मैं वो नहीं कर सकता मेरे पास ये नहीं है मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं वैसा नहीं कर पाता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार मैं 2016 से सोलह पे यूट्यूब पी सक्सेस नहीं मिली पर मैंने जिंदगी में ये नहीं बोला कभी ना ही अपने 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 आपसे अफर्मेशन ऐसी की कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होता इस बार मेरी बारी है नहीं मैंने ये कभी नहीं कहा मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं पहले भी ठीक था अभी भी ठीक हूँ और मैं और सक्सेसफुल हूँ पहले मैं भले सक्सेसफुल नहीं हो पाया बट दैट डज नॉट मीन की मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता या मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका यूट्यूब चैनल ही फेल होता है बात यहाँ पर वंस अगेन सेल्फ इमेज की है और आप उसको किसान ट्रेन करते हो किस तरह से एसोसिएट करते हो खुद को किस चीज के साथ सो स्टॉप हैविंग अ विक्टिम कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता मैं करूंगा करूंगा नहीं तुम ये बोलो ही मत तुम सिर्फ इतना बोलो मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा कर सकते हो कर पाओगे या किया था या नहीं कर सकते हो ये सब कुछ परे रखो बस तुम करने पर ध्यान दो दैट इज़ इट कि मैं ये नहीं कर पाया था पहले अब नहीं कर पाऊंगा या अब मैं कर सकता हूँ पहले नहीं कर पाता था यह सब कुछ स्टूबिलिटी है ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ फिर किसी फील्ड की बात करते हैं पैसा हो यूट्यूब चैनल हो इंस्टा पेज हो नोफैप के अडिक्शन हो सिगरेट की अडिक्शन हो बिंज वॉचिंग के एडिक्शन हो पतले होने की अडिक्शन हो जब तक तुम ये कहते रहोगाई पेट बहुत ज्यादा निकला है मुझे कम करना है तब तक तुम्हारा पेट कम होगा ही नहीं पर जिस दिन तुम ये कहोगे मेरे को बस पेट कम करना दैट इज इट तुम्हारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा और तुम अपने आप को एसोशिएट ही नहीं करोगे वीकनेस के साथ सो रिमेंबर रिमेम्बर दिस थिंग नेवर एसोसिएट योरसेल्फ सेल्फ विद एनी फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिविटी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इन्जॉय द व्यू एंड टू स्वीट